हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम कमल के फूल वाली ड्रेस बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो ब्लाउज जो मैंने पहले से बनाई हुई है, ब्लाउज मैंने सभी साइज में अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। 0 से लेकर 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी की जो ब्लाउज बनानी है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं जो डिजाइन बनाऊँगी। तो देखो, मैं पिंक कलर से और लाइट पिंक डार्क पिंक दोनों कलर हैं, जैसे हमारे कमल के फूल की पत्तियाँ होती हैं, मैं सेम ऐसे ही कलर लिया है। तो यहाँ से मैं देखो धागे को ज्वाइंट कर लूँगी। तो मैं बाजू के नीचे इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर रही हूँ। तब इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे अभी हमें फर्स्ट राउंड करना है। जैसे हम डिजाइन में जब भी ब्लाउज में कोई डिजाइन डालते हैं तो हमें हर फंदे के ऊपर दो दो डबल क्रोशे बनाते हैं, वो हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग करने होते हैं। पहले वाले जो मैंने डिजाइन बताया है उसमें एक फंदे पे मैंने दो डबल क्रोशिया बनाई है, एक पर एक बनाया है। तो आपको अपनी ड्रेस के घेरे के अकॉर्डिंग ही ये करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब देखो, जिस जो फंदे की हमारी चैन थी उसमें मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। तो अब आगे हमें डिजाइन बनाना शुरू करना है। तो डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे चैन बनाई है। तो यहाँ पे मैं चार फंदों की चैन बना ली है। अब एक डबल क्रोशियो को हमें छोड़ना है और एक डबल क्रोशियो के ऊपर हमें इसको बंद करना है। तो यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल सिंगल क्रोशे रखना है, कोई डबल नहीं रखना है। तो इसे यहाँ पे हम देखो ऐसे बंद कर देंगे। फिर से हमें चार फंदों की चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखो डबल नहीं ले रही हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल लूँगी। एक फंदा छोड़ दिया और दूसरे फंदे की चैन ऊपर हमें धागे को ज्वाइंट कर देना है। यहाँ से हमें फिर चैन बनानी है। तो यहाँ देखो चार फंदों से चैन बनाऊंगी। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर बनाऊंगी, एक को छोड़ती जाऊंगी। तो फिर से चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक फंदे को छोड़कर एक फंदे के ऊपर हमें हर बार ऐसे करना है। तो मैं पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक फंदे को छोड़कर एक फंदे के ऊपर इस तरह मैंने डिजाइन बना के यहाँ तक का शुरू कर किया है। अब इसके बाद देखो क्या करना है। अब लास्ट में हमें अपनी वही चैन बनानी है। तो चैन को हमें नीचे की साइड यहाँ पे देखो जहाँ से हमने शुरू की थी नीचे से इसको बंद कर देना है। तो देखो इसमें हमें चैन से ले लिया है, अलग से लिया है। अब हमें डिजाइन बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल क्रोशिया लिया है, इसके अंदर से निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाना है, यानी हाफ डबल क्रोशिया बिना बुने ही सारे फंदे को एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। इसके बाद हमारा देखो दो बार हमें क्रोशिया के ऊपर को धागे को दो बार कर लेना है, वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसे देखो दो फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर दो फंदों को फिर से एक साथ निकालेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ निकालेंगे। अब इसके बाद हमें तीन फंदों की चैन बनाएंगे, जो लास्ट में हमें देखो दो फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें इसको कर लेना है। इस चैन को हमें वापस कर देना है। फिर से हमें एक बार फिर ऐसे ही बनाना है तीन फंदों की। यहाँ पे ट्रिपल दो फंदे लेकर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो फंदे एक बार निकाल दिए, दो फंदे एक बार निकाल दिए। यहाँ पे अब हमें चैन नहीं बनानी है। तो फिर से हमें अपना दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, ऐसे हमें उल्टा करना है। दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद अब हम हाफ क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे तो देखो अब इससे बाद में हमें नेक्स्ट वाली जो चैन है इसमें हमें इसको बंद करना है। ये हमारा बंद हो गया। अब दूसरे वाली चैन में जाएंगे, इसमें हमें फिर से अपनी पत्ती बनानी है। सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया बनाना, एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया, उसके बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब देखो दो डबल क्रोशिया हो गई। अब की बार दो बार हमने फंदे को लपेट लिया है तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। ये एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें चैन बनानी है। तो पहले वाले के ऊपर हम तीन फंदों की चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ये हर बार करना है, ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे जो हमने लास्ट के दो फंदे हैं देखो, इनके बीच में से निकालते हैं अपने चैन को, यहाँ पे हम बंद कर देंगे। फिर से हमें अपने दो बार अपने क्रोशे के ऊपर फंदे को लेना है, फिर से हमें ऐसे ही अपना क्रोशे बनाना है। दो बार निकाल दिया, फिर दो बार निकाल दिया, फिर लास्ट में हमें फिर से दोनों को एक बना दिया। अब इसके बाद हमारे दो डबल क्रोशियों का नंबर आया जो हमने इस साइड बनाए थे, तो यहाँ पे हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे मेरे दो डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हमारा हाफ डबल क्रोशिया होगा, एक साथ ही हमने जो क्रोशी के अंदर से निकाल देते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया बोलती है, और ये हमारा सिंपल क्रोशिया हो गया। फिर से नेक्स्ट वाली चैन में हमने इसको बंद कर दिया है, दूसरे वाली चैन में हम चले जाएंगे। तो देखो हमारी दो पत्ती बन के तैयार हो गई है। तो एक बार फिर देखो आप, यहाँ पे हमने सिंपल क्रोशिया बना दिया, अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल दिया, अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, अब की बार हमारे दो डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारा एक ये दो बार रोल कर एक ट्रिपल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें चैन बनाएंगे और नीचे वाले दो फंदों से इसे निकालते ही चैन को बंद कर देंगे। फिर से एक बार, फिर से हमें दो बार फंदे को लगाना है और ऐसे ही हमारा एक बार फिर ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसके बाद हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया होगा, एक ही साथ निकाल देंगे सारे फंदों को, फिर हमारा एक सिंपल क्रोशिया हो गया। तो देखो हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई है। इससे नेक्स्ट वाली चैन में हम इसे बंद कर देंगे। फिर बाकी सेम हर फंदे के ऊपर हमें देखो दो डबल क्रोशिए, बीच में हमारे दो दो ट्रिपल क्रोशिए हैं। एक फर्स्ट वाले के ऊपर हमें चैन बना के बंद करना है, दूसरे वाले के ऊपर बंद नहीं करना है। तो मैं तीन पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट में देखो हमें क्या करना है, जैसे हमें लास्ट वाली चैन में यहाँ पे बंद करने के बाद अब यहाँ पे पत्ती की शुरू में ही हमें फंदे को निकाल के यहाँ पे दो फंदों की हम चैन बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दो फंदों की चैन बना लिया, क्रोशिए को मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से इसी के नीचे जो हमारा फर्स्ट चैन के ऊपर जो गैप है उसके नीचे से क्रोशिए को निकालते हैं, पत्ती के नीचे को वाले गैप में निकाल के हमें इस फंदे को देखो यहाँ पर इसमें डालना है। देखो उस फंदे क्रोशिए में डाल दिया मैंने। अब इस क्रोशिए को देखो मैं यहाँ पे निकाल लिया, अब दूसरे पीछे ही निकाल लूंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको, अब हमारा क्या है, हमारा क्रोशिए का जो धागा पीछे की साइड चला गया है। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से अपनी चार फंदों की चैन बनाऊंगी। तो इस पत्ती के जो फर्स्ट वाला हमारा सिंपल क्रोशिया है उसके अंदर हमें इसे निकालना है। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत टाइट होता है, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो ये हमारा निकल गया है। फिर से हमें चार फंदों की चैन बनाएंगे और एक हमें यहाँ से इस वाले फूल की, इस वाली पत्ती के दोहरे से फर्स्ट वाले फंदे से ही निकालना है। फिर से हमें अपनी चार फंदों की चैन बनाएंगे, फिर इस वाली पत्ती से लास्ट वाले में, दोनों साइड हमें ऐसे ही रखना है। तो देखो एक चैन हमारी यहाँ है, एक दोनों पत्तियों के बीच में है और एक पत्ती के पीछे, एक दोनों पत्तियों के बीच में। तो ऐसे ही मैं पूरी चैन आपको बना के दिखाती हूँ। देखो तो ये राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब जो लास्ट वाला है, देखो लास्ट वाला हमें जहाँ से हमने चैन को शुरू किया था वहाँ पर इसको देखो बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमें अपनी फूल ये पत्ती बनानी शुरू करनी है। तो देखो पत्ती के नीचे ध्यान रखना है, जो पत्ती के नीचे वाली चैन है वो हमेशा हमें बंद करना है इसमें। तो यहाँ पे देखो हमने बंद कर दिया है। अब जो हमारे दोनों पत्तियों के बीच में जो चैन है इस पर हमें पत्ती अपना फूल वाली पत्ती बनानी है। तो देखो यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है बनानी। तो मैंने हाफ क्रोशिया भी बना दिया, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, अब यहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा। निकाल दिया, फिर से तीन फंदों की चैन बनाएंगे और दो क्रोशिए जो ऊपर वाले फंदे अलग से दिखाई देती हैं
इनके अंदर से निकाल देना है। मैंने कैमरे की देखो लाइट भी ऑफ की है, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आए, क्योंकि लाइट कलर की उनमें अगर मैं लाइट ऑन करती हूँ तो दिखाई नहीं देता है अच्छे से फंदे। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर से दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो ये पत्ती बन के तैयार हो गई है। अब पत्ती के पीछे वाली चैन में हमें इसको बंद करना है, बंद कर दिया। अब जो दोनों पत्तियों के बीच में चैन है उसमें हमें फिर से अपना डिजाइन बनाना है। तो ऐसे ही हमें देखो अपना डिजाइन बना देंगे। तो पत्तियों में मैंने दो दो डबल क्रोशिए बनाए हैं, तो हमें पत्तियों के बीच वाले डिजाइन में ही बना देना है। तो यहाँ देखो मैंने अपने ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। देखो फिर से हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं लास्ट में जाके इसको बंद कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर दो फंदों की चैन बनाऊंगी। देखो अपने पीछे वाले चैन में बंद करके फिर हमें यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे मैं अपने दो फंदों की चैन बनाऊंगी। क्रोशिए को देखो धागे से अलग करके इसी के नीचे जो वाली जो चैन है इसमें क्रोशिए को इस तरह निकालते हुए और फूल के वाले जो गैप है नीचे इसमें निकाल के और हमें अपने हुक को ऐसे डाल लेना है इसमें ऊन के धागे को, फिर ऐसे निकाल के उसे पीछे लाना है। तो यहाँ पे अब देखो तो हमें देखो फूल के यहाँ पे आ जाना है जहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पे मैंने पांच फंदों की चैन बना दी है। फिर से ऐसे करना है। देखो हमें अपने जो फूल की लास्ट वाला फंदा है इसके अंदर से इसको क्रोशिए को निकाल के इसको यहाँ पे पहले बंद कर देंगे, उसके बाद फिर चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर पांच फंदों की चैन बना दी है मैंने। पहले मैंने चार फंदों की चैन बनाई थी, अब की बार पांच फंदों की चैन बना रही हूँ। तो देखो इसको भी हम यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर से अपने पांच फंदों की चैन बनाएंगे। इसे भी हमें पीछे की साइड बंद कर देना है। हर बार हमें सेम ऐसे ही करना है, चाहे हम किसी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। बस आपको पत्ती देख लेनी है आपको किस साइज में बनानी है। अगर ज़्यादा बड़े नंबर साइज से बनाना है तो शुरू में आपको थोड़ी बड़ी पत्तियों से शुरू करना होगा। तो ऐसे ही मैं इसको भी देखो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इसे यहाँ पे देखो पहले इसको बंद कर दूंगी चैन को अपनी नीचे की साइड। तो देखो अब पत्ती के पीछे वाला जो चैन है उसमें हमें पत्ती नहीं बनानी है, इसमें हमें इसको बंद करना है। लास्ट में जो हमारे दो पत्तियों के बीच में चैन है उसमें हमें डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिए, यहाँ पे तीन डबल क्रोशिए। अब की बार मैंने देखो तीन डबल क्रोशिए बनाई है। यहाँ पे फिर हमें अपना ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो बार क्रोशिए के ऊपर को धागे को लगा लेंगे, दो धागों से एक, दो धागों से ऐसे करते हुए हमें फिर चैन बनाएंगे। ऐसे फिर से अपना एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर अभी हमें चैन नहीं बनानी है, चैन हमें फर्स्ट वाले के ऊपर ही बनानी है। यहाँ पे हमारे तीन डबल क्रोशिए होंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, दो डबल क्रोशिए, तीन डबल क्रोशिए। अब हमारा हाफ डबल क्रोशिया आएगा, यानी एक फंदा सभी के अंदर से निकल जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर सिंपल क्रोशिया होगा। ये हमारी देखो यहाँ पर पत्ती कंप्लीट हो जाती है।
इसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो देखो दोनों पत्तियों के बीच से ही हमारी हर बार पत्ती निकलेगी। दो पत्तियों के बीच में जो चैन है उसी से हमें फूल को बनाना है। तो देखो मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, सेम आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये पत्ती भी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। शुरू की दो पत्तियों में हमने दो दो डबल क्रोशिया ली है। अब की बार मैंने पांच चैन लेकर तीन डबल क्रोशिया एक साइड, तीन डबल क्रोशिया एक साइड किए हैं। टेबल क्रोशिया में चैन बना के देखो यहाँ पर बंद कर दिया है। फिर से मैं टेबल क्रोशिया बना रही हूँ। दो फंदे एक बार निकाल लिए, दो फंदे एक बार निकाल लिए, यानी धागा दो बार जो लिपटा था एक बार एक साथ एक बार एक फिर ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हाफ क्रोशिया हो गया हमारा, ये बिना लपेटे ही हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें देखो इस पत्ती को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे जब हम बनाएंगे तो अपनी पत्तियों को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे जिससे बार बार हमारे ये नहीं होंगी, तो इससे बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो मैं ये भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो मैंने अपना तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद देखो हमें फिर से अपनी चैन में जाके यहाँ पे पहले इसको बंद करना है, फिर अपने यहाँ पे चैन में आके एक बार बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे दो फंदों की चैन बनाएंगे, फिर क्रोशिया को निकाल देंगे। सेम ऐसे करना है चैन वाले, देखो इस चैन के नीचे जो छेद है इसमें हमें क्रोशिया को ऐसे डालेंगे, फिर फूल वाले छेद से निकालते हुए अपने धागे को निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरा कलर जो हमारा डार्क पिंक है यहाँ पर उसको ज्वाइंट करने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पर एक बार इसको निकाल देंगे, फिर धागे को यहाँ पर मैं कट करके इसमें धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अब ये वाला कलर लगाऊंगी मैं थोड़ा जो डार्क सा होगा। तो देखो ये धागा लगा लिया है। और इसमें भी हमें क्या करना है, आपकी बार भी हमें सेम ऐसे ही करना है। पांच फंदों की हम चैन बनाएंगे। इसमें भी हम देखो यहाँ पर इसको निकाल देंगे। हर बार सेम ही तरह से करना है, बस हमें पर ध्यान रखना है किस पत्ती पे हमें पांच फंदों के ऊपर बनाना है, किसके ऊपर हमें चार के ऊपर बनाना है। देखो मैं लास्ट वाले फर्स्ट वाले से लेकर दूसरी साइड के फर्स्ट वाले पे ही इसको जॉइंट करती हूँ, उसके ऊपर मैं चैन बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैं पूरे पे चैन बना लूंगी जैसे मैंने हर बार की है। तो ये मैंने यही साइज बनेगा हमारा जो हमारा दूसरे पिंक का है, ये भी इस पे भी मैं सेम ऐसे ही बनाना है। तीन फंदे इधर तीन फंदे इधर, बीच में हमारे तीन टेबल क्रोशिया। तो इसे घेरे को मैं देखो दोनों दो राउंड में इस कलर से करूंगी और फिर से लास्ट वाला राउंड फिर से मैं लाइट पिंक से ही करूंगी। कितना बड़ा घेरा बनाना है उतना ही मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। तो देखो मैंने लास्ट में जो किया है वो मैंने चैन छह फंदों की चैन बनाई है। तो चार डबल क्रोशिया इस साइड की हैं, चार इस साइड की हैं, बीच में अपना ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया और बना के चार फंदे इधर किए हैं। तो तीन हमारे दो दो हो गए, दो में हमारे तीन तीन डबल क्रोशिया हो गए दोनों साइड, और इसमें भी मैंने इसमें हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए और लास्ट वाले में मैंने पांच पांच डबल क्रोशिया किए हैं, बाकी का सेम ही रहेगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी ड्रेस बना के कंप्लीट कर दिया। अगर जितनी बड़ी आपको छोटी बनानी है देखो तो आप अपने दो तीन राउंड पे इसको कंप्लीट कर दोगे। तो मैंने अपने तीन से चार नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो मैं आपको पहना के भी दिखाऊंगी। और देखो मैंने जो कैप बनाई है वो बिल्कुल सिंपल बनाई है, येलो कलर में इसीलिए बनाई है क्योंकि फूल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो येलो कलर का होता है। तो देखो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी जैसे हमारे कमल का फूल हो बिल्कुल।
तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया है, बहुत ही अच्छी लगी है। तो आपको देखो कमल के फूल को मैं पत्तियों को बिल्कुल बंद करके भी दिखाऊंगी। तो देखो हमारे लड्डू गोपाल जी की फूल, कमल का फूल एकदम बंद हो गया है। तो ऐसे देखो हाथ लगाते ही हमारा खिल जाएगा फूल। तो ये ड्रेस मैंने अपनी 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आपको अपना जिस साइज के लिए बनानी है सेम बनाने का तरीका वही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।